In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students of class 9th. Welcome to all of you in this online session of your political science. Dear students, as you know, we were discussing democratic rights. और उसमें हमने बात की कि fundamental rights Indian constitution कौन कौन सा fundamental right जो है अपने citizens को provide करता है. इन फंडामेंटल राइट्स के अलावा और भी कुछ राइट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है. हालांकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वी कैन से फंडामेंटल राइट्स और सोर्स ऑफ ऑल राइट्स बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर्स ए वाइडर रेंज ऑफ राइट्स. इसमें और बहुत सारी राइट्स भी है और इसी रिलेटेड जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स. ये हमारा आज का टॉपिक है. जिस तरह हमने पहली बात की कि इस चैप्टर में हमने बात की फंडामेंटल राइट्स, देयर आर सिक्स कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हमने पहले ही डिस्कस की है. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? The rights granted by the Constitution of India to its citizens, which can't be violated at any cost. ठीक है. और यहाँ पे जो है हमने बात की कि दूसरे rights के हवाले से we can say over the years the scope of rights has expanded. Sometimes it leads to expansion in the legal rights. बहुत सारे सालों से ये बात हो रही है कि हाँ सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की जरूरत ही नहीं है, कुछ और राइट्स भी है जिन तक रसाई सिटीजन को मिलनी चाहिए. और इस हवाले से कोर्ट्स ने भी बहुत सारी जजमेंट्स दी है, बहुत सारे डायरेक्शंस पास किए हैं गवर्नमेंट को कि अब यहाँ जो आपने फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी बनाई है इसके अलावा भी और बहुत सारी राइट्स भी है जिनमें खास कर कुछ राइट्स है जिनको हाईलाइट करना और वी कैन से इनको फंडामेंटल राइट्स का दर्जा देना बहुत जरूरी है. अब इनको फंडामेंटल राइट का दर्जा अभी मिला है या नहीं मिला है वो दूसरी बात है, लेकिन इनके लिए जो है एक जिद्दोजहद बहुत सारे सालों से चल रही है कि इनको भी फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में काउंट किया जाए. जस्ट लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस. इसके लिए एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद चल रही है इंडिया में कि इसको भी एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिला है. दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन या जिसको हम RTI कहते हैं, इसको भी एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाए. तीसरा है राइट टू एजुकेशन को भी फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाए. तो इनके लिए जो है एक जिद्दोजहद चल रही है इंडिया में, एक कैंपेन चल रही कि इनको भी राइट्स का दर्जा दिया जाए. अब कुछ जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट किया और आजकल जो है ये इनफोर्स है दीज राइट्स. अगर हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन को अब फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया और वी कैन से राइट टू एजुकेशन इज नाउ अ फंडामेंटल राइट. इट वाज कंसीडर्ड और वी कैन से द एक्ट वाज पासड इन 2002. राइट टू एजुकेशन वाज पासड बाय द 86th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002, बट इट बिकेम ऑपरेशनल फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन जो है इंडिया में अब इसको क्या कहा जाता है, ये इट इज काउंटेड इन फंडामेंटल राइट्स कैटेगरी. अब ये फंडामेंटल राइट है कौन? राइट टू एजुकेशन. अब इससे क्या फायदा है इंडियन सिटीजन्स को ये फायदा है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम एज ऑफ 6 टू 14 ईयर्स
all the children, irrespective of caste, irrespective of religion, irrespective of color, irrespective of sex, ठीक है, अब इनको free and compulsory education मिलेगा from 6 to 14 years, ठीक है। इसी तरह जो है RTI, Right to Information Act, इसको भी अब fundamental status का दर्जा दिया जा रहा है। Right to Information Act was passed in 2005। इसके क्या benefits है? इसे एक citizen government की policies, government की schemes के बारे में information ले सकता है सरकार से, या जो भी कोई public servant है उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। कहां से? गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हमारे लिए क्या क्या, और हमें इनका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज गिवन द स्टेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट इन 2005, ठीक है। इसी तरह एक और बिल है NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज पासड इन 2013 में एक और बिल पास की, एक और एक्ट आया, इसको NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अब इसको भी फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जा रहा है। इसके क्या बेनिफिट्स है? इसके ये बेनिफिट्स है कि इंडिया का कोई सिटीजन भूखमारी का शिकार ना हो, हंगर का शिकार ना हो, माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि हर एक सिटीजन को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसको हम BPL कैटेगरी में है कहते हैं, जो भी इस बंदा इस BPL कैटेगरी में है, इसको जो है चावल एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर केजी मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह वीट जो है 2 रुपीज पर केजी मिलेगा। इसे क्या होगा कि हर कोई जो है इज्जत से रह सकता है, माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, भूखमारी का शिकार ना हो। तो दिस वायर some rights for which there are, we can say, इनके लिए जो है इंडिया में जो जिद्दोजहद चल रही है, या इनको अब फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया जा रहा है। क्या क्या? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।